जैसे मेरी लाइफ में ये सबसे टर्निंग पॉइंट था, सबसे बुरा इंसिडेंट था। मेरे मुंह से उस बेबी वर्ड, वो बेबी वर्ड निकल गया, ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारे कि लोग हमें सुनाए कि देखो बाहर भेजा तो क्या। मैं एक टर्निंग पॉइंट आया, मैंने अपनी लाइव क्लास में, मेरी क्लास में एक बच्चा बार बार एक वर्ड लिखी जा रहा था जो था बेबी वर्ड। अब मैंने उस वर्ड को, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, आपने भी देखा होगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से निकल कुछ और जाता है। सेम वही चीज थी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड रह जाता है। तो वो बच्चा उसी वर्ड को बार बार लिख रहा था और शायद वो कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रह गया। और मैंने वो वर्ड गलती से, क्योंकि मैं अपनी क्लास में बच्चे बेटा ये वर्ड बहुत यूज करती हूँ, तो मेरे मुंह से उस बेबी वर्ड, वो बेबी वर्ड निकल गया। अब यहां था सब कुछ खराब हो गया। मुझे नहीं लगा था कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप एक ऑफलाइन क्लास भी देखेंगे तो एक टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो अलग अलग एग्जाम्पल्स लेता है, एंड बेबी इतना बड़ा वर्ड नहीं था। मैं नॉर्मल थी। कुछ दिनों बाद में मैंने देखा कि वो वर्ड जो है वो एक मीम की तरह वायरल होने लगा, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि आज तक जो मैं कर रही थी वो सब शैटर होने वाला था। मेरे पापा मम्मी जिस चीज से डरते थे वो सब खत्म होने वाला। तो वायरल होना भी नहीं चाहती थी मैं, तो एक सीधी सादी लड़की थी जो अपना पैशन फॉलो करना चाहती थी, जो बच्चों को पढ़ाना चाहती थी और एक सिंपल नौकरी करना चाहती थी। मेरी फैमिली मुझे ये सब चीजों के लिए अलाउ भी नहीं करती थी कि अगर मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने या फिर मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने ये वीडियो देख लिया तो वो लोग सिर्फ वही कहेंगे जो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारे कि लोग हमें सुनाए कि देखो बाहर भेजा तो क्या हुआ। उस वीडियो को हटवाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। जिस दिन वो वीडियो आई उसी दिन मैं पूरी रात जगी रही, इनफैक्ट मेरे दोस्त भी जगे रहे और हम सभी ने उन मिलियन फॉलोअर्स वाले पेजेस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। हमने उनके नंबर्स निकलवाए और उनके एडमिन्स को कॉल किया और उनसे वो वीडियो हटवाई। बहुत कोशिश की कि सभी पेजेस से हम हटवा पाएं, बहुत से मीम पेजेस से हमने उसे हटवा भी दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है। ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा रैपिड है, जहाँ पर हर चीज़ रिमूव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। तो बस मैंने अपने आप को यही समझाया कि एक समय है, बुरा टाइम है, अच्छा टाइम भी आएगा, छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में ये सबसे टर्निंग पॉइंट था, सबसे बुरा इंसिडेंट था, सेम उसी तरह से आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो बस आप ये समझिए कि समय आपका टेस्ट ले रहा है और आपको बस उस समय को पास होने देना है। बुरा टाइम आ रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा, तो उसका इंतजार कीजिए।